मॉनसून का सीजन जाते जाते भी अपने रंग दिखाता जा रहा है। अक्सर कई देश में कई राज्य मॉनसून के सीजन में नेचुरल कैलेमिटीज, नेचुरल डिजास्टर, फ्लड्स का शिकार होते हैं, जिसके चलते कितने लोगों की कश्ती भी उजड़ी। और अब एक बार फिर दिल को दहला देने वाली एक खबर सामने आई है, जहां गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। दोनों राज्य की कई नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते बाढ़ग्रस्त इलाकों से हजारों लोगों को निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। वहीं जल भराव के कारण रविवार को सड़क और रेल यातायात भी रुका हुआ है। वहीं दक्षिण मध्य रेलवे नेटवर्क पर कई स्थानों पर भारी बारिश और जल भराव के कारण अब तक 100 से अधिक ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि कई और रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। जी हां, पीएम मोदी ने रविवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना सीएम ए रेवंत रेड्डी से बात की और उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि हैदराबाद में भी भारी बारिश की वजह से शहर के कई जगहों पर पानी भर गया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि सोमवार यानी आज स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। वहीं खम्मम जिले के एक इलाके के निवासी छतों पर फंसे हुए हैं, क्योंकि यहां के ज्यादातर इलाके पानी में डूबे हैं। बचाव के लिए हेलीकॉप्टर की तैनाती ना होने पर खम्मम के लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं बिगड़ते मौसम के कारण हेलीकॉप्टर की उड़ान जोखिम भरी हो सकती है। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर मंगवाने के लिए SPCS से बात की। मौसम विभाग ने रविवार को तेलंगाना के आदिलाबाद, निजामाबाद, राजन्ना, सिरसिला, यदाद्री भुवनगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, कामारेड्डी और महबूबनगर जिलों में सोमवार को बहुत भारी से बेहद भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दरअसल मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने एक आपातकालीन समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत पहुंचाने और कार्रवाई करने को कहा। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की कि वो केवल तभी घर से बाहर निकले जब कोई जरूरी काम हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक बारिश में सबसे अधिक प्रभावित विजयवाड़ा जिला है, जिसमें एक नाले में रविवार को कई जगहों पर उफान आ गया, जिससे शहर के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। वहीं श्रीकाकुलम, विजयनगरम, पार्वतीपुरम मान्यम, अल्लूरी सीताराम राजू, काकीनाडा और नंदियाला जिलों में सोमवार को भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि कृष्णा नदी के उफान पर होने के कारण विजयवाड़ा में प्रकाशम बैराज पर प्रथम स्तर की चेतावनी जारी की गई है। वहीं IMD ने 9 जिलों में रेड अलर्ट की चेतावनी दी है। इसके अलावा तेलंगाना के 19 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा कलेक्ट्रेट में डेरा डाला हुआ है। आपको बता दें कि ताड़ेपल्ली में आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण APSDMA में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य में भारी बारिश हुई है। नायडू ने कहा, भारी बारिश के कारण विजयवाड़ा और गुंटूर शहर पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। काजा में विजयवाड़ा गुंटूर राष्ट्रीय राजमार्ग और जगैया पेटा में विजयवाड़ा हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से डूबे हुए हैं। आपको बता दें, अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों पड़ोसी राज्यों में 12 टीमें पहले से ही तैनात हैं, जबकि 14 और टीमें भेजी जा रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि 14 टीमों में से 8 को देश भर के विभिन्न स्थानों से हवाई मार्ग से भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि NDRF की टीमें विभिन्न उपकरणों से लैस हैं। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।